नमस्कार दोस्तों, केरला में हुई गर्भवती आदमी की मौत के बाद पूरी दुनिया के लोग उसके न्याय की मांग कर रहे हैं। उससे पहले आपको बताते चलें कि केरला में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पाइनएप्पल फल में दिवाली के बम पटाखे भरकर एक गर्भवती आदमी को खिला दिया गया था, जिससे वे बम पटाखे उसके मुंह के अंदर ही फट गए थे, जिससे उस गर्भवती आदमी को काफी भयंकर दर्द हुआ। और वो उस दर्द को कम करने के लिए वह गर्भवती आदमी एक तालाब में जाकर अपने मुंह को पानी के अंदर डालकर अपनी पीड़ा को कम करने का प्रयास 3 दिन तक लगातार भूखे पेट उसी तालाब के अंदर खड़ी होकर करती रही। लेकिन 3 दिन बाद उस गर्भवती आदमी की मौत उसी तालाब में हो गई, जिसके लिए बॉलीवुड की जानी मानी कलाकार और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी ने केरला में हुई गर्भवती आदमी की मौत पर अपना क्रोध जताया है और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर केरला के सीएम को टैग करते हुए लिखा है कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना भयानक कार्य कैसे कर सकता है और उस बेजवान जानवर का क्या कसूर था। सिर्फ इतना ही कि वो बोल नहीं सकता और भूख लगने पर आपके द्वारा खिलाए जाने वाले भोजन को बिना सोचे समझे खा लेना, क्या उसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी? वो 18 से 20 महीने बाद अपने पेट से बच्चे को जन्म देने वाली थी। उन लोगों ने उसको अपने बच्चे तक को जन्म नहीं देने दिया। उस बेचारे बच्चे को भी दुनिया में आने का पहले ही मार डाला। मैं अनुष्का शर्मा केरला के सीएम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस गर्भवती हथनी को न्याय दिलाया जाए और उसके हत्यारों को ढूंढकर कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसी प्रकार बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।